एक तो भीषण गर्मी, दूसरी तरफ जाम। सोचिए इस तरह आप भी जाम में फंस जाएं तो शायद आप भी पसीने पसीने हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब मुंडा पांडे दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 0 पॉइंट लक्ष्मीपुर कट्टी पर लंबा जाम लग गया। एक और भीषण गर्मी, दूसरा जाम। सोचे अगर इस तरह आप भी जाम में फंस जाएं तो शायद आप भी पसीने पसीने हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब मुंडा पांडे दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 0 पॉइंट लक्ष्मीपुर कट्टई पर लंबा जाम लग गया। वहीं आए दिन भीषण जाम लगने से क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। जाम की वजह से लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लगना शुरू हो जाता है। आज फिर 0 पॉइंट पर लगभग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हाईवे पर जाम लगा रहा, जिसकी वजह से छोटे बड़े वाहनों के साथ साथ दो पहिया वाहनों को भी जाम से जूझना पड़ा। जाम के कारण लोग घंटों सड़कों पर अपने वाहनों को लेकर फंसे रहे। हर कोई जाम से निजात पाने की फिराक में था। मुख्य सड़क पर जाम के कारण शहर की अप्रोच सड़कों का भी हाल बेहाल रहा। शहर की तंग गलियों में लोग वाहन लेकर फंसे थे। जाम से जूझ रहे शहर को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। परेशानी ये है, समझ लो, ये छोटी गाड़ी आती है, जाम आएगी। ट्रिपन पे ये जाम लग रहा है सर, 4 बजे से। 4 बजे लग रहा है जी। भाई वाले जब 4 बजे तुरंत ही आ गए साहब, तो सब लोग वहीं पे हैं जी। पुलिस आ गई, पुलिस तुरंत ही है, मतलब सब पुलिस यहाँ पर। नहीं 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 आता यहाँ पर, क्या ही कर सही नहीं, अभी तो आया सब लोग। अब स्थिति कैसी है जाम की? अब तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। आपका टाइम हो रहा है जाम यहाँ पर, ट्रैफिक का रोड है? अब तो 8:30 हो गए लगभग। 8:30 हाईवे पर लगे जाम की सूचना राहगीरों ने थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। वहीं देखना होगा कि कब जाकर इस प्रकार के जाम से निजात मिल पाती है।